होने की हार्दिक शुभकामनाएं और ढेरों बधाइयां। ये आयोजन, ये मेरा पांचवा होली मिलन समारोह का आयोजन है, क्योंकि 2018-19-20-21 में कोरोना काल के कारण मैं ये आयोजन नहीं कर पाया था। 2022 में विराट रूप से मैंने होटल चंद्रा कॉम्प्लेक्स में करवाया था और उस इस बार यहाँ हो रहा है। तो कुल मिलाकर पहले जो आयोजन हुआ करता था वो इतना विराट रूप से नहीं होता था, वो छोटे स्तर पर होता था, लेकिन दो आयोजन जो दूसरे होटल में हुआ वो भी विराट था। आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, हम कुछ मैसेज देना चाह रहे हैं। काफी इंतजार हम आपको करवा ही चुके हैं। आमतौर पर देखा गया है कि हमारे यहाँ क्या है, आप एक बार गौर कीजिए बैनर पर, होली मिलन समारोह, इसमें तरह तरह के रंग है। उसी तरह से हमारे भारतवर्ष में जो हम लोग हैं, सभी जाति समुदायों के लोग जो है वो अलग अलग रंग के हैं, अलग अलग फूल हैं। जैसे किसी गुलजिंदा में एक ही किस्म का फूल नहीं हो सकता, अगर एक किस्म का फूल है तो वो गुलजिंदा नहीं होता है। अगर गुलजिंदा कहलाता है, बाग कहलाता है, वो उसका शब्द नहीं है, उस बाग में तरह तरह के फूल हो। तो हम लोग भारतवर्ष के, हिंदुस्तान के, की बगिया के तरह तरह के फूल हैं। कोई भी आदमी किसी भी धर्म, समुदाय, संप्रदाय के लिए मैं उनसे यही अनुरोध करता हूं, हर आदमी को उनका धर्म बहुत ज्यादा प्यारा है। कलेश नाइन तो बाकी तब होती है जब हम लोग दूसरों के मजहब का, धर्म का मजाक उड़ाने लगते हैं। आपने देखा होगा फेसबुक, व्हाट्सएप कहीं पर भी, अगर दूसरे धर्म के बारे में कोई मजाक है तो हम आपको बहुत आसानी से फॉरवर्ड कर देते हैं, ये नहीं सोचते हैं उस धर्मावली के लोग कितनी तकलीफ होती है। उसी तरह से ठीक वैसे ही जैसे मेरे धर्म के बारे में अगर किसी ने कुछ मजाक किया तो मुझे तकलीफ होती है। इसलिए आप सभी से गुजारिश है, आज से फेसबुक, व्हाट्सएप कहीं पर भी इस तरह के मैसेज को फॉरवर्ड करना बंद कर दीजिए, जिससे दूसरे के मजहब का की अवमानना होती हो, उनका मजाक उड़ाया जाता हो, तकलीफ होती हो। आज ये हम लोग कसम खाए, क्योंकि हम लोगों की तरक्की का सबसे बड़ा देखिए आमतौर पर देखिए दूर का ढोल सुहाना होता है। हमने सुना है, सब लोग कहते हैं, आज अगल बगल के मुल्कों की हालत देख लीजिए, हम लोग सबसे अच्छे कंडीशन में अपने मुल्क में हैं, इस मुल्क से प्यार भी करते हैं। ऐसे में अगर मान लीजिए कि होली के मौके पर हम लोग कहीं भी करते हैं, अगर जिन्हें रंगों से परहेज है, जो बचना चाहते हैं, उनसे गुजारिश है उस वक्त वो नहीं निकले, क्योंकि अगर आप निकलते हैं, सड़क से गुजरते हैं, किसी गली से गुजरते हैं, तो बच्चा आपके ऊपर रंग पड़ा देता है, कोई रंग खेलता हो आपके ऊपर पड़ जाता है। अगर आपके साथ इमरजेंसी है, निकल रहे हैं, थोड़ा सा रंग पड़ गया है, उसके लिए बुरा मानने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर आप इतना ही बुरा मान रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि ऐसे वक्त में घर से न निकले जहां पर आपको रंग पड़ने का खतरा हो। इन दोनों चीजों का ख्याल रखें, अगर रंग से इतनी तकलीफ नहीं हो तो थोड़ा पड़ गए तो कोई बात नहीं, और अगर बिल्कुल आप नहीं चाहते हैं तो सोचो तक निकालिए। हम ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे किसी मुसलमान को किसी दूसरे मजहब के पास कहीं झुकने के लिए, नतमस्तक होने के लिए वो नहीं हो सकते, उसी तरह से मुसलमान के अलावा जो बहुसंख्यक समुदाय के लोग हमारे हिंदू भाई हैं, वो भी दूसरों के अपने इष्ट की वो जितनी पूजा करते हैं वो दूसरों के इष्ट की उस हिसाब से जाहिर सी बात है, लोग उनकी इज्जत करते हैं, हम अपनी करते हैं। इसके लिए हम लोगों को अपने दिलों में वो जगह बनानी होनी होगी, अपने मुल्क के हम मतलब भाइयों के लिए उनका मजहब भी उतना ही प्यारा है जितना मेरा मजहब हमें प्यारा है। आज हम यहाँ पर तमाम लोगों से अपील करते हैं, जिन्हें रंग से परहेज हो उनको रंग लगाइए, जो रंग लगाना चाहते हैं उन्हें रंग लगाइए। और मैं आपको एक मैसेज दे रहा हूँ, फिर से आने वाले वक्त में रमजान का मौका है, आपने देखा होगा, मैं मुस्लिम भाई को कह रहा हूँ, जब आप इफ्तार पार्टी करते हैं और हमारे हिंदू भाई इफ्तार में आते हैं तो कैसे आगे बढ़कर उनको टोपी पहनाते हैं, हम जब टोपी पहनाते हैं तो हमको बड़ा अच्छा लगता है, जब हमारे हिंदू भाई को
بالكوسه